यह कॉपर का वायर जिसके ऊपर से कोटिंग हटा दी है, इसे कुछ इस तरह की शेप में मोड़ लेना है। ये कॉपर वायर है जिसकी कोटिंग हमने यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से हटा दी है। इस कॉपर वायर को सोल्डर आयरन की हेल्प से इस तरह से पेस्ट कर देना है जहाँ जहाँ से हमने कोटिंग हटाई थी, ताकि आप देख सकते हैं। कॉपर वायर लेंगे जिसे मोड़कर ऐसा बना देंगे, और कॉपर वायर लेंगे जिसकी कोटिंग दोनों साइड से हटा देंगे और सोल्डर आयरन की सहायता से इसकी सोल्डरिंग कर देंगे बिल्कुल इस तरह। आप देख सकते हैं हमने 6 पीस इसके और 6 इसके बना लिए हैं। हमारे रिमोट का फ्रंट व्यू जिसमें कि एक चैनल ये और एक चैनल ये और दूसरा ये है, और ये कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन डाली हुई है जिससे हमारा रिमोट अट्रैक्टिव लगे। इस रिमोट को कैंची की सहायता से निकाल लेंगे इसमें से। ड्राइंग वाले पीस को कार्डबोर्ड पर रखकर हमने 2 पीस इसके काट लिए हैं, और ये इसमें पीछे बैटरी रखने के लिए सॉकेट बना दिया है, और इसमें से 2x2 सेंटीमीटर के पीस काट लेने हैं। देख सकते हैं इस तरह से आपको काट लेने हैं, और एक के ऊपर एक रखकर चिपका देना है ग्लू की सहायता से। अब इस पीस के ऊपर कार्डबोर्ड की लेयर्स को ला देना है ग्लू गन की हेल्प से, जिससे ये अधिक मजबूत हो जाएगा। अब इस पीस में 2 होल कर लेंगे, एक साइड से और एक ऊपर से। ये एक एल्युमिनियम का वायर है जिसे इस होल में फिट कर देंगे और ग्लू से चिपका देंगे। अब एक और एल्युमिनियम का वायर लेंगे जिसे इस पीस के ऊपर वाले होल में ग्लू गन से चिपका देंगे। अब ब्लैक टेप लेंगे और इसके दोनों तरफ लगा देंगे जिससे कि ये और अधिक मजबूत हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। अब इन कॉपर के वायर्स को इस ट्रिगर के पीछे अच्छे से चिपकाना है जिससे कि आप जब कमांड दें तो ये उघड़ ना पाए। कार्डबोर्ड की इस लेयर को इस ट्रिगर के ऊपर लपेट देंगे जिससे कि ये और अधिक अच्छा लगेगा। ये कार्डबोर्ड के पीसेज हैं जिसके ऊपर इस टेप को लपेट देंगे जिससे कि ये और स्ट्रांग हो जाएगा। हमारे पास ये ट्रिगर्स और ये पीसेस तैयार हो चुके हैं, अब इन्हें इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ मार्क लगा हुआ है वहाँ वहाँ हम इन पीसेस को अच्छी तरह से चिपका देंगे। ब्लैक पेपर को रोल करके इस तरह का बना लेंगे। कॉपर के पीसेस को इस कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका देंगे, और इसके दूसरे पार्ट को इसके सामने अपोजिट साइड में चिपका देंगे। दूसरा एक और कॉपर का पीस लेंगे जिसे इसके पैरेलल में लगा देंगे, इसके दूसरे पार्ट को इसके पैरेलल में लगा देंगे। अब इस ट्रिगर को इसके ऊपर ग्लू गन से चिपका देंगे। अब इस बैटरी को इसके पीछे फिट कर देंगे। क्लिप कनेक्टर को इसके पीछे चार्जिंग के लिए लगा देंगे। बैटरी को इस कार्डबोर्ड से कवर कर देंगे। अब इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए तीनों ट्रिगर से एक एक वायर लेंगे, और एक वायर बैटरी का लेंगे, और एक वायर अपने कनेक्टर का लेंगे जिससे कि ये चार्ज होगी, और इन्हें आपस में जोड़ देंगे। अब जो वायर ट्रिगर से और बैटरी और कनेक्टर के बच गए हैं उन्हें आपस में जोड़ देना है। अब इन वायर्स को बाहर की तरफ
निकाल देना है और ग्लू गन से चिपका देना है। साइकिल कटी जिसमें से रबड़ काट लेनी है, रबड़ को इस तरह से चिपका देना है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, अब इन डिजाइंस को इस रिमोट के ऊपर लगा देना है। और इसकी टेस्टिंग करके देख लेते हैं और इसे डायरेक्शन चेक करने के लिए लगा दे रहे हैं।